डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, ठीक ठीक है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करती हूँ आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहला सवाल तमाम लोगों के जहनों में वही गर्दिश कर रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप भी प्लीज अपना नॉलेज शेयर कीजिएगा कि हमने अपने फोन को और अपनी गाड़ी की चाबी को, अच्छा मैं आप जरा नाजरीन को बता दूँ कि तमाम लोग एहतियात करें, तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं अपना बड़ा बैग नहीं लेकर आती ऑफिस, मैं एक वॉलेट में मैंने अपने कार्ड्स जो जरूरी है, आईडी कार्ड है, मेरे ऑफिस का कार्ड है, चंद पैसे, करेंसी नोट्स के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे नाजरीन, के करेंसी नोट्स बहुत बड़ा सोर्स बन रहे हैं, जब मैं करेंसी नोट्स है मैं बहुत कम जो पैसे मैं अपने फोन में अपने बैग में रख रही हूँ, साथ में पेन लेकर आती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पेन को ऑफिस में छोड़ के चली जाऊँ, आती हूँ अगले दिन इसको सैनिटाइज करती हूँ फिर इस्तेमाल करती हूँ और अपने हाथ में धोकर जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी तरफ आ रही हूँ, हमने टेलीफोन जो फोन है मैं वो भी अपने गाड़ी में खैर रख कर आ रही हूँ, गाड़ी की चाबी मैं कहीं नहीं रख सकती, मुझे इसको टेबल पर रखना है, गाड़ी की चाबी को हमने कैसे सैनिटाइज करना है, वो कितनी जल्दी सैनिटाइज हो सकती है, जाते हुए हम ऑफिस से गाड़ी की चाबी को भी धो सकते हैं, उसे भी जरा सिमर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वायरस जो है इसको हम प्रिवेंशन करके ही इसको रोका जा सकता है, तो जो रोज़मर्रा का हमारा रूटीन है जिसमें हम कई चीज़ों को टच करते हैं, जैसे किसी दीवार को टच किया या लिफ्ट में जाते हुए लिफ्ट के बटन को टच किया या डोर हैंड नॉब्स हैं उनको टच किया, दरवाजे को टच किया, स्टेयरिंग को टच किया, जी जी बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी होता है टच करना और हमें टच करना पड़ता है, बिना टच किए हम उनको फंक्शनल नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो ये हैं कि हमें सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखना है, हमें जो हमारा मोबाइल है क्योंकि वो सैनिटाइज़र बेसिकली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, तो अगर हम मोबाइल को भी अपने सैनिटाइज कर लेते हैं तो ऐसे हमारे पास सारे मोबाइल उसको कोई ऐसा ख़तरा नहीं होगा कि हमारा मोबाइल वगैरह ख़राब हो जाएगा या जो हमारे गाड़ी अच्छा, के सॉरी मैं आपको काट रही हूं। हैंडल्स हैं, अगर आप अपने मोबाइल को सैनिटाइज करते हैं लाइक अगर आप सैनिटाइजर टिश्यू पेपर पे लगा के मोबाइल के ऊपर सैनिटाइजर की क्लियर से उसको साफ कर देते हैं, कितनी देर में वो जरा से मर जाते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन से? एज सून एज वो सैनिटाइज जो है वो ड्राई आउट हो जाता है उसी वक्त जो है वो आपके जो उस पर वायरसेस या बैक्टीरियाज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर हैं वो और कोरोना वायरस भी उसमें बिल्कुल मर जाते हैं। ठीक ठीक जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोरोना वायरस। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब, ठीक ठीक है डॉक्टर अब्दुल बासित साहब आपको भी शामिल है, गुफ्तगू करती हूँ आपकी तरफ आना चाहूंगी। पहला सवाल तमाम लोगों के जहनों में वही गर्दिश कर रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछा, आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप भी प्लीज अपना नॉलेज शेयर कीजिएगा कि हमने अपने फोन को और अपनी गाड़ी की चाबी को, अच्छा मैं आप जरा नाजरीन को बता दूँ कि तमाम लोग एहतियात करें, तो मैं ये कोशिश करूँ कि मैं अपना बड़ा बैग नहीं लेकर आती ऑफिस, मैं एक वॉलेट में मैंने अपने कार्ड्स जो जरूरी है, आईडी कार्ड है, मेरे ऑफिस का कार्ड है, चंद पैसे, करेंसी नोट्स के बारे में भी आगे जाके बात करेंगे नाजरीन, के करेंसी नोट्स बहुत बड़ा सोर्स बन रहे हैं, जब मैं करेंसी नोट्स है मैं बहुत कम जो पैसे मैं अपने फोन में अपने बैग में रख रही हूँ, साथ में पेन लेकर आती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पेन को ऑफिस में छोड़ के चली जाऊँ, आती हूँ अगले दिन इसको सैनिटाइज करती हूँ फिर इस्तेमाल करती हूँ और अपने हाथ में धोकर जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी तरफ आ रही हूँ, हमने टेलीफोन जो फोन है मैं वो भी अपने गाड़ी में खैर रख कर आ रही हूँ, गाड़ी की चाबी मैं कहीं नहीं रख सकती, मुझे इसको टेबल पर रखना है, गाड़ी की चाबी को हमने कैसे सैनिटाइज करना है, वो कितनी जल्दी सैनिटाइज हो सकती है, जाते हुए हम ऑफिस से गाड़ी की चाबी को भी धो सकते हैं, उसे भी जरा सिमर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये वायरस जो है इसको हम प्रिवेंशन करके ही इसको रोका जा सकता है, तो जो रोज़मर्रा का हमारा रूटीन है जिसमें हम कई चीज़ों को टच करते हैं, जैसे किसी दीवार को टच किया या लिफ्ट में जाते हुए लिफ्ट के बटन को टच किया या डोर हैंड नॉब्स हैं उनको टच किया, दरवाजे के हैंडल को टच करना है वरना दरवाजे को टच किया, स्टेयरिंग को टच किया, जी जी बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत ज़रूरी होता है टच करना और हमें टच करना पड़ता है, बिना टच किए हम उनको फंक्शनल नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो ज़रूरी लवाजमात हैं वो ये हैं कि हमें सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखना है, हमें जो हमारा मोबाइल है क्योंकि वो सैनिटाइज़र बेसिकली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, तो अगर हम मोबाइल को भी अपने सैनिटाइज कर लेते हैं तो ऐसे हमारे पास सारे मोबाइल उसको कोई ऐसा ख़तरा नहीं होगा कि हमारा मोबाइल वगैरह ख़राब हो जाएगा या जो हमारे गाड़ी अच्छा, के सॉरी मैं आपको काट रही हूं। हैंडल्स हैं, अगर आप अपने मोबाइल को सैनिटाइज करते हैं लाइक अगर आप सैनिटाइजर टिश्यू पेपर पे लगा के मोबाइल के ऊपर सैनिटाइजर की क्लियर से उसको साफ कर देते हैं, कितनी देर में वो जरा से मर जाते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन से?
एज सून एज वो सैनिटाइज जो है वो ड्राई आउट हो जाता है उसी वक्त जो है वो आपके जो उस पर वायरसेस या बैक्टीरियाज जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर हैं वो और कोरोना वायरस भी उसमें बिल्कुल मर जाते हैं। ठीक ठीक जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोरोना वायरस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।